हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोमेम। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊंगी। ब्लड क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके कंपोजिशंस क्या हैं, किन किन से मिलकर ब्लड बनता है और उनकी फंक्शंस क्या हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड क्या है? ब्लड एक बॉडी फ्लूड है ह्यूमन बींग्स का, जो क्या करता है, जो नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन्स होते हैं, उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक जो वेस्टेज बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हो गया ब्लड। इसके अलावा ब्लड के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं वो है, कलर में कैसा होता है ब्लड, लाइट रेड कलर होता है आर्टरीज में और डार्क रेड कलर होता है वेन्स में। ठीक है, हमारी बॉडीज में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करती हैं वो क्या होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो उसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं वो उसमें जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है और वेन्स में होता है वो डार्क कलर का होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि आर्टरीज और वेन्स का क्या क्या फंक्शन होता है। आर्टरीज क्या होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड को हमारी बॉडी में ले जाने का काम करती है और जो वेन्स होती है वो डी ऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको लंग्स तक ले जाती है। ठीक है, इसके अलावा पीएच कितनी होती है ब्लड की, 7.4 होती है और इसका वॉल्यूम होता है हमारी पूरी बॉडी में, एक ह्यूमन बींग्स में जो एवरेज वैल्यू होती है इसकी वो होती है 5 से 6 लीटर तक होती है और इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, जितना बॉडी वेट है उसका 7% क्या होता है, इसका मास होता है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड और विस्कोसिटी होती है 3.4 से लेकर के 5.4 तक होती है। विस्कोसिटी से मतलब क्या होता है कि इसकी डेंसिटी से लेते हैं, थिकनेस से लेते हैं, सॉरी कि इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 3.4 से 5.4 तक। और जो वाटर होता है उसकी थिकनेस से हम अगर इसकी कंपैरिजन करें तो ये क्या होता है, वाटर के कंपैरिजन में ये थोड़ा थिक होता है। ठीक है, जो उसकी फ्लोनेस होती है, फ्लो होता है, वाटर होता है, वाटर की थिकनेस काफी कम होती है तो वाटर क्या होता है, जल्दी फ्लो कर जाता है। लेकिन जो ब्लड होता है, ब्लड की थिकनेस वाटर के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसको फ्लो करने में क्या होता है, थोड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है। जो वाटर होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 1 के लगभग होती है, जो इसकी विस्कोसिटी होती है। तो आप कंपैरिजन में लगा सकते हो, अगर वाटर की 1 है और ब्लड की कितनी है, 3.4 से लेकर के 5.4, तो मतलब वाटर से इसकी थिकनेस ज्यादा है। इसके अलावा ग्रेविटी होती है इसकी 1.055 से लेकर के 1.065। ना कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किससे मिलकर के बना होता है। ब्लड को बनाने में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इस फिगर से आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने वायल में ब्लड लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इस ब्लड के अलग अलग पार्ट्स बन गए। ये येलो वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। ये पूरे ब्लड का कितना होता है, 55% होता है। इसके बाद बफी कोट है, बफी कोट व्हाइट कलर का, इसमें क्या होते हैं, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है, ये मोर देन 1% होती है। इसके अलावा जो इसके वायल के पैंदे में जो जम जाती हैं, ठीक है, वो होती है इरेथ्रोसाइट्स, जिनको हम बोलते हैं RBC, और वो होती हैं टोटल ब्लड का 45%। अब हम एक एक करके इसके कंपोनेंट्स को देख लें। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। प्लाज्मा में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर होता है, 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होते हैं, 0.9% इसमें सॉल्ट और 0.1% इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब इस प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, फूड और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको
क्या करता है, नियमित बनाए रखता है 37 डिग्री टेम्परेचर तक ही रखता है, ना उसको ज्यादा होने देता है और ना ही इसको कम होने देता है। इसके अलावा ये क्या कहता है, वुंड हीलिंग का काम भी करता है, चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है उसको भरने में भी ये प्लाज्मा बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने एक नोट डाला है नीचे, इसमें क्या है, अगर हम क्या करें प्लाज्मा में से फाइब्रोनेजन प्रोटीन को हटा दें तो क्या बन जाएगा, सीरम कहलाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है, अगर प्लाज्मा में से हमने क्या लिया, क्लोटिंग फैक्टर है, फाइब्रोनेजन क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, अगर उसको रिमूव कर दिया तो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। हम देख लेते हैं आरबीसी, आरबीसी कितनी है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रही है आरबीसी इस शेप की होती है, ठीक है, बाइकॉनकेव शेप की होती है, रेड कलर की होती है और सबसे ज्यादा क्या होती है, कितने परसेंट पाया जाता है, 45% ये पाई जाती है। किसके बाद में, प्लाज्मा के बाद में, सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा के बाद में ब्लड में आरबीसीज होती है, वो कितनी, 45% होती है। सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में जो ब्लड में कंपोनेंट पाया जाता है वो होता है आरबीसी। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में बनती है, इसकी डेड होती है स्प्लीन और लीवर में, ठीक है। 120 दिन तक ही क्या होती है आरबीसीज लाइव करती है, जिंदा रहती है, उसके बाद क्या होती है इनकी डेड हो जाती है और वो कहाँ पर होती है, स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, कब्रग्रह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, बाइकॉनकेव होती है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें क्या होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, सॉरी एनिमल्स में, जिनमें क्या होता है आरबीसीज क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि लामा है या कैमल है, उनके आरबीसीज में क्या होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका कलर रेड होता है और हम इसकी अमाउंट देखते हैं कितनी पाई जाती है, 4 to 6 million पर mm³ पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखने की बात है। इसके बाद मेल में ये कितने होते हैं, 5 से लेकर 5.5 और फीमेल में होती है 4 से 4.5 million पर mm³। नाउ इसका लाइफ स्पान, मतलब मैंने पहले बताया इसको, ये कितने दिनों तक जीवित रहती है, 120 days तक। अब इसके फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, नॉर्मल वैल्यू HBE की कितनी होती है, 13 to 15 ग्राम पाई जाती है और 1 RBC में कितने HBE होते हैं, 250 मिलियन HBEs के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं 1 HBE में, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। HBE काम का क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, तो 1 HBE में कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होते हैं। ये क्या हो गए, इसके फंक्शन हो गए आरबीसीज के। अब हम देख लेते हैं WBC, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, लिम्फ नोड में पाई जाती है, इसके अलावा डेड ब्लड में हो जाती है और शेप कैसी होती है, इनकी लार्ज होती है, किससे, आरबीसी से क्या होते हैं, ये बड़ी होती है और व्हाइट कलर की होती है और लाइफ स्पान इसका 2 से 4 दिन तक ही रहती है, ठीक है, और न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, रेशियो क्या होता है इसका, 600 से 1, मतलब 600 RBCs पर 1 WBC पाई जाती है और फंक्शन होता है इनका प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन होने पर ये क्या करती है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करने का काम करती है। RBCs को हम दूसरे वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, इस वीडियो में मैं आपको इसमें थोड़ी इसकी समरी ही बताऊंगी WBC की। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, जब भी एग्जाम में ब्लड के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इतना लिख दे तो भी क्या होता है, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, इसे सफिशियंट मार्क्स मिल जाते हैं। अब टाइप ऑफ WBC में मैंने समरी में बताया यहाँ पर कि हम इसकी क्या देखते हैं, टाइप्स देख लेते हैं कि किस कितने टाइप के ये होते हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके टाइप्स हैं मेनली 2 टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इसको हम अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स 3.8% होता है और लिम्फोसाइट्स होता है 22 से 35%। लिम्फोसाइट्स को अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये मोनोसाइट्स हैं, ये हैं लिम्फोसाइट्स। नाउ ग्रेन्युलोसाइट्स, इनको नाम दिया है हमने एग्रेनुलो और ग्रेनुलो। ग्रेनुलो का मीन्स इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और एग्रेनुलो में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स को अगेन हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है।
न्यूट्रोफिल्स है 55 से 70%, इओसिनोफिल 2 से 7% होता है और बेसोफिल्स पाए जाते हैं इसमें 1%। नाउ इसमें कुछ नोट्स रखें, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया से क्या मतलब, ल्यूकोपेनिया मतलब डिक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। नाउ ब्लड का फोर्थ कंपोनेंट्स है प्लेटलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ब्लड में इसकी अमाउंट तो कम पाई जाती है लेकिन इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने का काम करती हैं, एक क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में ये काम आता है। जब भी क्या होता है, कई बार चोट लग जाती है तो ब्लड को क्लॉट करने में प्लेटलेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता है। इसकी हम जो काउंट देखते हैं, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स एवरेज कितनी होती है, 1,50,000 से लेकर के 4 लाख तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और लाइफ स्पान होता है इसका 3 से 5 दिन तक होता है, ठीक है। और डेड होती है स्प्लीन में आरबीसीज की तरह, और फंक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। You can ask in comment box, or if you want to make video of any other topics, you can write comment in comment box. I will try to make this video in my next video. Thank you for watching my video.